नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में यात्राओं का दौर लगातार जारी है। जहां एक ओर बीजेपी विकास पर्व के जरिए जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का बखान कर रही है, इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के तमाम जिलों में जाएंगे और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सरकार की योजनाओं को भी जनता के समक्ष रखा जाएगा। 12 अगस्त तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जिलों का दौरा करेंगे, विकास की योजनाओं की नींव रखेंगे। तो वहीं उधर कांग्रेस की भी आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा जनता के सामने रखेगी। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा कुल 20 दिन तक चलेगी, जिससे एक दिवस का हॉल्ट 30 जुलाई को होगा। 17 जिलों में 36 विधानसभा में से ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा का समापन 7 अगस्त 2023 को झाबुआ में होगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही जनता के बीच में रहती, 365 दिन 24 घंटे और अलग अलग माध्यम से सरकार की योजनाएं, संगठन के विचार को जन जन तक लेकर जाती है। जिस यात्रा को या जिस योजना का शुभारंभ करती है उसको उसके लाभार्थी तक पहुंचाती है। पर कांग्रेस पार्टी की सभी योजनाएं ट्विटर पर शुरू होती है कमलनाथ जी के, और उनके ड्रॉइंग रूम में समाप्त हो जाती है। कमलनाथ जी ने घर घर दस्तक अभियान की कॉपी की पर गाड़ी से नहीं उतर पाए। मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग जो है वो जागृत हो गया है। उसने देखा कि जब देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला स्थापित हुई तो कांग्रेस ने किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया कह चुके हैं कि मेरा मुंह केवल इसलिए बंद करवाया जाता है क्योंकि मैं आदिवासी वर्ग से आता हूं। पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जमुना देवी जी का जो हश्न किया था वो भी आदिवासी वर्ग ने देखा है। तो आदिवासी कांग्रेस को जरूर चाहिए झंडा उठाने के लिए, वोट देने के लिए, पर जहां पर सम्मान की समानता की बात आती है वहां कांग्रेस आदिवासियों की पीठ में छुरा घूमती है। बड़ा विषय यह है कि आज यात्राएं कौन निकालना, किसको निकालना चाहिए और किसको नहीं निकालना चाहिए। भाई कांग्रेस तो अधिकारों को लेने के लिए यात्रा निकाल रही है, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की यात्रा है। और तमाम जगह के ऊपर इस तरह के कई साथी हैं जो आगे आ रहे हैं आम जनता के बीच में से, लेकिन बीजेपी कौन सी यात्रा निकाल रही है? अपना ही विजय संकल्प, अपनी ही यात्राएं और अपनी ही धन्यवाद यात्राएं, अपनी ही विकास यात्राएं, जो जनता के जले पे नमक छिड़कने वाला काम है। भारतीय जनता पार्टी को तो एक पूरी तरह से माफी मांगने की यात्रा निकालनी चाहिए, तब कुछ होगा। जनता नाराज है, जनता की नाराजगी और बढ़ा रही है भाजपा की यात्राएं। तो हमारी यात्राओं में और बीजेपी की यात्राओं में यही अंतर है कि जिनकी जवाबदेही थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो यात्रा निकाल के अब क्या दिखाना चाहते हैं। जो सत्ता में थे और पूरी तरह से नाकाम हो गए, जनता की तकलीफ बढ़ा दी। और हमें यात्रा निकालना इसलिए है क्योंकि जनता की जरूरत है और जनता की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। तो आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का इस पर क्या कुछ कहना है, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ नीलाभ शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। नीलाभ जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नीलाभ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। नीलाभ जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपके नेता द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी को माफी मांगने के लिए उनको योजना चलानी चाहिए, उन्हें वो पर्व मनाना चाहिए, वो विकास पर्व मना रहे हैं। देखिए, हम अगर आदिवासियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आदिवासी वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के साथ, न्यूनतम संसाधनों के साथ जीवन यापन करता है। उसे अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने मान सम्मान स्वाभिमान से बहुत प्यार होता है और उसके लिए गर्व का विषय होता है। देखिए, समाज से कुछ ज्यादा नहीं मांगता है वो, उसका आत्मसम्मान सुरक्षित रहे, ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सत्ता इतने दम्भ में कि आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब की जा रही,
विश्व पटल पे हिंदुस्तान का नाम खराब हो रहा है, ये एक घटना नहीं, ये तो एक घटना पराकाष्ठा हो चुकी है। एनसीईआरटी की रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज्यादा पीड़ित परेशान आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है, आदिवासी लगातार पीड़ित हो। एक लंबी फेरिस्ट है, अगर मैं निकालना चाहूंगा समय कम पड़ जाएगा। अब हम बात करें, महू में आदिवासी युवती की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, आपको पता होगा, जब उसका शव लेकर आदिवासी लोग थाने के सामने पहुंचे तो उन पर गोली चालन कर दिया, मतलब जो बेचारे फरियादी है उन्हें अपराधी बना दिया। वो शव रख के मांग कर रहे थे कि हमारे बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ है, पीड़ितों की जांच, वो अपराधियों को पकड़ा जाए तो उन पर गोली चालन हो जाता है। ये 4 जुलाई को घटना 2022 में आदिवासी महिला रामकारी भाई, उसको जमीन विवाद में उसे जिंदा जला दिया गया। 5 मई 2022 की घटना मध्य प्रदेश में गो हत्या के संदर्भ में भाजपा के अतिवादी संगठनों ने 2 आदिवासी युवकों को मॉब लिंचिंग करते हुए पीट पीट कर मार डाला। देखिए, उसके बाद एक लंबी फेरिस्त है, आप नेमावर की घटना बताएं, 5 आदिवासी व्यक्ति गायब हो चुके थे, कल 47 दिन के बाद उनका शव मिलता है, दफन हुआ, उसके बाद कई पुलिस कार्रवाई नहीं करती, कई रिपोर्ट नहीं होती, जो गुमशुदा हो चुके थे उनके ऊपर 47 दिन के बाद उनकी लाशें निकाली जाती गड्ढों में। एक बच्ची बेचारी जो बच गई थी उस परिवार की, नेमावर से भोपाल तक न्याय की गुहार लगाते पदयात्रा करती है। इसी एक लंबी फेरिस्त, समय कम पड़ जाएगा, इस तरह मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की में आदिवासी लगातार ठगा रहा है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं। देखो, आदिवासी सम्मान का भूखा है, आपको आप उसका सम्मान नहीं दे सकते, कम से कम उसका अपमान तो मत कीजिए, सिर पर पेशाब करेंगे। उसके बाद इवेंट बनाते हैं, उसे बुलाते हैं, उसके पैर धुलवाते हैं, अरे आप पैर धुलवा लो, मेनी केयर कर दो, पेडी केयर कर दो, हेड मसाज कर दो, उससे उसका सम्मान थोड़ी से वापस आएगा। जिस व्यक्ति के आप सिर पे आपके नेता ने पेशाब करी, उसको उसको उसके उसके उसका आप सम्मान कैसे लौटाओगे? सबसे बड़ी फिर आप जब चौतरफा दावा आता तो घर तुड़वाते हो, जमाने भर की बातें। ठीक है, ठीक है, 90% नीलम जी, आऊंगी फिर से आपके साथ, आपके पास आऊंगी। बीजेपी के भी प्रवक्ता अभय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर जी। अभय जी, आपसे मेरा यही सवाल है, अगर कांग्रेस की तरफ से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है तो इसमें आपत्ति क्यों है? आप लोग कह रहे हैं कि आदिवासी के हित में तो हम काम करते हैं, कांग्रेस जो है छुरा घोपने का काम करती है। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है, हमने आदिवासी वर्ग को उनके अधिकार दिए हैं, उनका नेतृत्व दिया है, ऐसे पदों पर उनको बैठाया है कि जो वो अपना निर्णय खुद करे। महामहिम राष्ट्रपति से लेकर मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल भी उसी वर्ग से आते हैं। माननीय मोदी जी का केंद्रीय का मंत्रिमंडल देख लीजिए, जो यहाँ पर पैसा एक्ट हो, हमने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। आदिवासी वर्ग में के लिए कांग्रेस ने एक वोट बैंक बना के रखा था, हमने उनके अधिकार दिए हैं, उनको विकास की मुख्यधारा में जोड़ा है, उनको जो है उनके अधिकार, उन्हें स्वयं निर्णय करने के ऐसी जगहों पर बैठाकर उन्हें स्वयं निर्णय करें, अपने लोगों के बीच वो क्या चाहते हैं उसका निर्णय स्वयं करें, इसका अधिकार दिए। ठीक है नीलाब जी, वो कह रहे हैं कि अधिकार है और हम जो हैं तमाम ऐसे विषय हैं जिसे हम उठाते हैं जो जनता के हित में है। देखिए, सीधी बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 2018 में जब आदिवासी वर्ग ने आईना दिखाया कि इन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, तब इन्हें मालूम पड़ा कि आदिवासी वर्ग हमसे छटक चुका है, ये वोट बैंक हमारे हाथ से जा रहा है, तो इन्होंने आदिवासी को इवेंट बनाना शुरू किए। टंट्या मामा मामा जी को 18 साल के बाद याद आए, बिरसा मुंडा याद आए, इवेंट बना है, उनके शरीर कपड़े पहन के ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की स्थिति जस से तस है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अत्याचारी घटनाएं बढ़ रही है। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की रिपोर्ट है, मैं बंद नहीं कह रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके नेता उन पर पेशाब करते हैं, इतना घृणित मानसिकता की स्थिति है। उसका और बताता हूँ आपको, हालिया की घटना है, आदिवासी बच्चियों के छात्रालय में डिप्टी कलेक्टर रैंक का व्यक्ति सरकारी अधिकारी जाता है, बच्चों से अश्लील हरकतें करता है, अभी हालिया की घटना है, उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। हरदा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक संजय शाह आदि, अभी हाल कोई पुरानी घटना है नहीं बता रहा हूँ, हफ्ते घटना है बता रहा हूँ, आदिवासी संजय शाह आदिवासियों को गालियां बकते और डंडे से हमला करता है। इंदौर में आदिवासी बच्चियों को बंधक, दो भाइयों को बंधक बनाकर रात भर उन्हें पीटा जाता है। ग्वालियर में आदिवासी को बर्बरता से जूते की माला पहनाई जाती है, आदिवासी युवती के साथ इंदौर में दुष्कर्म होता है। अब उसके लगातार आदिवासियों पर प्रतिदिन प्रतिदिन एक दिन अत्याचार हो रहे हैं, अपमान किया जा रहा है उनका, हम क्या कर रहे हैं? हम उनका सम्मान सुरक्षित रख ले, आदिवासी सम्मान यात्रा निकाल रहे, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? कहीं कहीं आपको ये तो नहीं है कि आदमियों का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आप तो सामंतवादी लोग हैं,
आप तो आपके दिल में आदिवासियों को सम्मान तो है ही नहीं, आप तो उन्हें वोट बैंक समझते हैं, उनके नाम से इवेंट बनाते हैं। आदिवासी स्थिति आज भी जस की तरह से, अरे 18 सालों में आपकी सरकार ने, मध्य प्रदेश में सवाल तो आपसे पूछे जाना चाहिए ना कि उनके पास रोटी की व्यवस्था क्यों नहीं है, रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं है, क्यों नहीं उन्हें मुख्य धारा में लाया गया, क्यों नहीं उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था है, क्यों नहीं उनके बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नीलाम जी जवाब ले लेती हूँ, अभय प्रताप सिंह से जवाब ले लेती हूँ। अभय जी आप सुन रहे हैं, नीलाम जी एक के बाद एक तमाम ऐसे मुद्दे वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, सीधी कांड का जिक्र कर रहे हैं, झाबुआ का वो जिक्र कर रहे हैं, आप लोग सर विकास पर्व मना रहे हैं, यहाँ पर आदिवासियों के साथ एक के बाद एक अत्याचार हो रहा है, इन अत्याचारों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है सर, सरकार तो अभी आपकी ही है। देखिए कोई भी आदिवासी वर्ग के सम्मान से खिलवाड़ करेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, यह अगर कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिस भाई के साथ यह घटना की गई उसको सीएम हाउस में बुलाकर उसके साथ सम्मान किया, उसके साथ भोजन किया, उसके पैर धोए, आपने देखा होगा मस्तक को भी लगाया, उसका सम्मान लौटाया। हमारे एसडीएम की भी बात कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई। तो भारतीय जनता पार्टी ये केवल दिखावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी यथार्थ में जमीन पर काम करती है। 24,000 करोड़ का बजट था केंद्र का आदिवासी इस वर्ग का, जिसे मोदी सरकार ने 90,000 करोड़ किया है। 740 एकलव्य मॉडल के उनके विद्यालय बनाए जा रहे हैं, उनको 1,000 छात्रों को IIM IIT इन सब क्षेत्रों में जो है छात्रवृत्ति दी जा रही है अध्ययन के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हर तरफ से उनके युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है, उनके लोगों को जो है उनका 15,000 करोड़ का तो विशेष पैकेज दिया है, इनके स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए, शिक्षा के लिए, जहां जहां इनके बाहुल्य जिले हैं। तो मोदी सरकार हो चाहे शिवराज सरकार हो, आदिवासियों की सच्चे हितैषी है और उनके लिए काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, नीलाम जी आपने सुन लिया होगा, अभय प्रताप जी कह रहे हैं कि उनके हित में काम करते हैं। जी बिल्कुल हित में। जिस सीधी कांड का आप जिक्र कर रहे हैं नीलाम जी बार बार, वो सीधी कांड के बाद आपने वो वीडियो भी देखा होगा जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका पैर भी दशमत का उन्होंने पैर भी धोया है, उनका सम्मान किया है, तो इसमें आप लोगों को आपत्ति क्यों है? आप लोग पहले सवाल उठाते हैं कि आदिवासियों पर अत्याचार होता है लेकिन जब बीजेपी सम्मान कर रही है तो इसमें ऐतराज क्या है आपको? देखिए देखिए, पहले तो आपने उसका अपमान किया, उसके बाद उसका सम्मान करने का इवेंट बना दिया, अब उसके बाद तो घटना रुकना चाहिए ना। अब उसके बाद की घटना है बता रहा हूँ मैं, सीधी कांड के बाद की घटना। आदिवासियों के बच्चियों के छात्रावास में डिप्टी कलेक्टर रैंक का व्यक्ति जाता है और छेड़छाड़ करता है, ये क्या है, कहाँ रुक गई घटना है? आपके पैर धोने के बाद, मेनिक्योर पेडिक्योर करने के बाद रुकी घटना है? नहीं रुकी। हरदा के विधायक संजय शाह आदिवासी पर लाठी लेकर गालियां बकते हैं गंदी गंदी, घटना रुकी क्या? इंदौर में दो आदिवासी भाइयों को बंधक बनाकर रात भर पीटा गया, ये उसके बाद की घटना है। आदिवासी बच्ची के साथ 12 साल की बच्ची से बलात्कार होता है, उसके बाद की घटना है। उसके बाद प्रतिदिन लगातार घटनाओं में इजाफा हो रहा है और आप कह रहे हैं हमने पैर धो दिए, हमने सम्मान कर दिया। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप आदिवासियों को वोट बैंक समझते हैं, उन्हें भ्रमित करते हैं? देखिए आदिवासी, लेकिन नीलाम जी अब देखिए ये इल्जाम तो आप लोग में भी लग रहा है कि चुनाव नजदीक है, वोट बैंक साधने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आदिवासी स्वाभिमान योजना आप चला रहे, यात्रा आप निकाल रहे हैं, इस दौरान आप तमाम विषय उठाएंगे, ये तो बीजेपी पर आपसे कह रही है सर, ये तो बीजेपी भी आप पर आरोप लगा रही है। देखिए विपक्ष जनता की आवाज होता है, जब सत्ता दंभ में अंधी हो जाती है, जब सत्ता निरंकुश हो जाती है, विपक्ष की ओर जनता देखती है। विपक्ष का दायित्व है, हमारा दायित्व है जब आदिवासियों का सम्मान लौटा है, आप लगातार उनका असम्मान कर रहे हैं, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें गोहत्या के में मॉब लिंचिंग की जाती है, उन्हें गाड़ियों से बांध के घिसा जा रहा है, थाने में उनको फरियादी को अपराधी बनाया जा रहा है, लगातार उनका अपराध हो रहे हैं, ये रिपोर्टें आ रही है, मन से नहीं कह रहा हूं मैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऑथेंटिक चीजें ये, उस पर हम अगर उनका सम्मान करते हैं हमारा दायित्व है, तो आप इसे राजनीति कहां से कहेंगे? आपने क्या सम्मान कर दिया उनका? सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर घृणित काम कर, अरे किसी व्यक्ति के ऊपर आप पेशाब कर दो सरेआम, उसके ऊपर क्या मानसिक स्थिति गुजर सो सकते हो? उसकी पत्नी पर क्या स्थिति गुजर रही है? उसके बच्चों पर, उसके माँ बाप पर क्या स्थिति गुजर रही है वो देखने वाली? मेरे पिता के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे पति के ऊपर पेशाब कर गई, उसका उसको बुलाते हैं, पकड़ के उसको हाईजेक करके मुख्यमंत्री निवास बुलाते हैं। लेकिन नीलाम जी जो कृत्य हुआ उससे बदला तो नहीं जा सकता,
लेकिन सीएम के द्वारा जो सम्मान उसको दिया गया, दशमत को जो सम्मान दिया गया, उसके बाद क्या घटना है रुकी, मैं उसके बाद लंबी फेरिस्त को बता, ठीक है, मैं जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी, अभय जी जुड़े हुए हैं उनसे भी जवाब लूंगी। अभय जी ठीक है, सम्मान किया गया, दशमत का सम्मान किया गया, बहुत अच्छी बात है, सीएम ने सम्मानित किया, लेकिन आपके सहयोगी जो है नीलाब जी है बार बार यही सवाल कह रहे कि ठीक है सीधी कांड हुआ, उसके बाद झाबुआ कांड भी हो गया जहां एसडीएम जो है बच्चियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, आखिरकार आदिवासियों पर ही अत्याचार क्यों हो रहा है सर? देखिए जहां भी इस तरह के कानून व्यवस्था में कोई शिकायत मिलती है अविलंब कार्रवाई की जाती है, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, आदिवासी अस्मिता के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जा रहा है, यह प्रमाण अभय जी कार्रवाई तो देखिए सर आपकी सरकार है, आप भी करेंगे, कल कांग्रेस सरकार में आएगी कांग्रेस भी कार्रवाई करेगी, कार्रवाई का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा जब तक राजनीति होगी। लेकिन सवाल मेरा ये है जो लगातार विपक्ष भी पूछ रहा है, ऐसी कोई सख्ती क्यों नहीं की जाती, ऐसा कोई कानून क्यों नहीं लाया जाता, ऐसा कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जाता कि ये घटनाएं ही ना हो। देखिए हर तरह के कानून मध्यप्रदेश की सरकार ने बनाए हैं, मध्यप्रदेश की सरकार ने पॉस्को एक्ट बनाया है, मौत की सजा उसमें होगी, ये मध्यप्रदेश का ही भाजपा सरकार ने प्रावधान किया कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को जो है नीलाब जी रुक जाइए, बोले दी जाऊंगी सर आपके पास, और उसमें कई 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 लोगों को उसके तहत जो है सजाए मौत दी गई है। मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूँ कि इन्होंने तो पोषक आहार जो आदिवासी माताओं के लिए 1000 रुपए शिवराज सरकार देती थी, इनकी सरकार आती उसको इन्होंने बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बजट को बढ़ाया, उनके शिक्षा के क्षेत्र में उनके व्यक्तियों को युवाओं को बढ़ाया और हर तरह के सम्मान देने का उन्हें राजनीतिक जो पद है इन्होंने कभी कभी जो है पीए शर्मा का साथ नहीं दिया राष्ट्रपति बनाने में, इन्होंने जो है पीए शर्मा लड़े थे आदिवासी वर्ग के, इससे पूछिए इन्होंने राष्ट्रपति बनाया उनको, इन्हें कभी नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको उन पदों पर बैठाया है। तो इसलिए आदिवासी वर्ग जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करता है जाता है तो ऐसे विषय ये खोज कर लाते हैं जिससे कि इन्हें चुनाव में फायदा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार शिवराज सरकार आदिवासी वर्ग के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। ठीक है ठीक है। अभय प्रताप जी, ग्वालियर में प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा होने वाला है, इस पर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं उनके दौरे को? देखिए अब मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ये तो लगातार दौरों की राजनीति इनकी होगी। देखिए मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरह के वादे पिछले चुनाव में ये राहुल गांधी करके गए थे उज्जैन में, किसानों का ये कर्जा माफ करेंगे वो कर्जा माफ करेंगे, कुछ नहीं किया, उनके परिणाम उपचुनाव के जो हुए थे 26 उपचुनाव उसमें आपने देख लिया होगा जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, इससे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है नीलाब जी बताइए। देखिए आपने राष्ट्रपति बनाया लेकिन उनको संसद के भूमि पूजन तक में नहीं बुलाया, खैर ये विषय नहीं है लेकिन आपको आपकी बात याद दिला दूं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि जब भी आदिवासियों पर अत्याचार होते उसमें अधिकांशता अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों जुड़े होते, मेरा बड़ा सवाल है, अधिकांशता भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा ही आदिवासियों को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, चाहे सीधी कांड हो, चाहे हरदा में विधायक संजय शाह द्वारा किया गया हो, चाहे वो अपने मॉब लिंचिंग की गई हो गोहत्या के उसमें, अब तो आदिवासी वर्ग को भाजपा नेताओं द्वारा ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये मेरा सवाल है। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो अधिकांश अपराधी भारतीय जनता पार्टी नेता क्यों होते हैं, उसमें 90% मामले दबा दिए जाते हैं या दबाव पूर्ण तरह से खत्म कर दिए जाते हैं, जो मामले उठते हैं और जिसपे आपको चौतरफा दबाव आता है उस मामले आप सजा दे देते हैं, कुछ मामले तो बेचारे आदिवासी थाने तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने कहा ना जो फरियादी जाता है उसे अपराधी बना दिया जाता है, अधिकांश तो मामले दबा दिए जाते हैं, तो कई घटनाओं भाजपा नेताओं का नाम ही क्यों आता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे मेरे भाजपा के मित्र जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आदिवासियों के नाम से, आप सिर्फ आदिवासियों को नाम से इवेंट बनाया है, वो पूछ रहे हैं कि भाजपा के नेता का नाम क्यों आता है, के चुनाव में आदिवासियों ने आपको आईना दिखा दिया था, अभी भी 2023 चुनाव में आदिवासी आपको आईना दिखाएंगे, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ तो आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेना से जुड़े हुए बिरसा मुंडा टंटा मामा, इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेना का आंदोलन किया है, और आप क्या जाने स्वतंत्रता संग्राम सेना के आंदोलन के बारे में और क्रांति के बारे में, आप तो उसके उसमें आपने तो चीटी उंगली भी नहीं कटवाई है, तो आप क्या उसके बाद, तो कांग्रेस तो आदिवासियों के साथ उस समय जुड़ी है जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते थे, तो जो सम्मान आदिवासियों का हमारे दिल में वो आप की कल्पना भी नहीं करते थे, इसलिए हम आदिवासियों को सम्मान उनका गौरव दिला रहे थे, आदिवासी सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, उसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है।
लेकिन नीलाब जी ठीक है, आप आदिवासियों के सम्मान में आप यात्रा निकाल रहे हैं, स्वाभिमान यात्रा आप निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे में तो सवाल आपसे भी ही होगा, जब झाबुआ कांड हुआ, जब सीधी कांड हुआ, तब विपक्ष कहाँ था, क्यों नहीं सड़कों पर दिखा? अब चुनाव नजदीक है तो क्या इस वजह से आप लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं? चुनाव के पहले ही तो हुआ ये, कौन से सालों पुरानी घटना है, कुछ दिन तो हुए, उंगलियों पर गिन लो, उतने पास अभी दिन है, कुछ चुनाव इन थोड़े बना रहे हम अभी, ये सब घटना है अभी अभी की तो हालिया, एक महीने के अंदर ही घटना है सब, ठीक है तो जब ये घटना हुई तब आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं दिखे? क्यों नहीं हमने सड़कों पर भी आए, हमने तो विधानसभा में आवाज उठाई तो हमारी विधानसभा स्थगित कर दी गई, ये बात सवाल का जवाब देना ही चाहते हैं, हमारे विधायक सबसे पहला सवाल ये बोला दिल्ली कांड के बारे में, अल्लाह सब विधायकों ने आवाज उठाई, इन्होंने विधानसभा स्थगित कर दी, ठीक है। आपसे लास्ट कमेंट ले लेते हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस आदिवासी हितैषी है, हमेशा आवाज उठाती आई है, सदन में भी ये मुद्दे उठा रहे थे, उस दौरान भी कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी जो है सवालों से बचती है, जवाब नहीं देना चाहती, यही वजह है कि जो कार्रवाई है वो स्थगित किया गया। देखिए इन्होंने तो वंदे मातरम भी नहीं होने दिया सदन में, सदन का एक अपना प्रक्रिया है, एक अपना रूल है कि किस तरह से सदन चलेगा, उसके नियम कानून है, उसके तहत आइए, उसके तहत अपनी बात को रखिए, ये केवल मीडिया में छपना चाहते हैं, इसलिए सदन का समय खराब करते हैं, सदन को आते ही जो है हो हल्ला मचाते हैं, और ये जिस बात कर रहे हैं, इन्होंने गोंडवाना पार्टी से विधायक समझौता किया था, हर जो इनके मरकाम थे उनको इन्होंने बनाया था, इन्होंने क्या उनको मंत्री बनाया था क्या, आदिवासी वर्ग से वो आते थे, तो ये तो केवल आदिवासी का वोट लेना चाहते हैं, उनको अधिकार नहीं देना चाहते, इसलिए ढिंढोरा पीट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके अधिकार दिए हैं, और सदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिए हैं, पहले भी दिए हैं, अभी भी तैयार थे, लेकिन ये केवल हंगामा का भेंट इन्होंने खुद चढ़ाया इस सत्र में। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगी हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल अब कांग्रेस की तरफ से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है और बीजेपी की तरफ से विकास पर्व मनाया जा रहा है, ऐसे में तमाम सवाल जो है अपने आप में खड़े होते हैं कि आदिवासियों पर पहली चीज ये कि इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। अब देखना होगा कि इस चुनाव के बाद क्या कुछ नतीजे आते हैं, लेकिन दोनों पार्टियां जो है आदिवासी हितैषी होने का दावा कर रही है। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।